हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आपके कुछ क्वेश्चंस मुझे रेगुलर मिलते रहते हैं और सेम क्वेश्चन होते हैं हर पेरेंट्स के। वो क्वेश्चन है कि क्या मैम हम अपने बच्चे को जन्म घुटी और ग्राई वाटर दोनों साथ में दे सकती हैं या नहीं। देखिए, जन्म घुटी के बारे में और ग्राई वाटर के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि मैम क्या हम अपने बच्चे को ये साथ में दे दें या नहीं दे दें। तो डियर, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जन्म घुटी की अलग वैल्यू है और ग्राई वाटर अलग है, ठीक है। दोनों ही अलग कंडीशन में बच्चे को दिए जाते हैं, ये नहीं कि आप जन्म घुटी भी बच्चे को दे दें और ग्राई वाटर भी दे दें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ कि जो जन्म घुटी होती है बच्चे को, आप सेकेंड या थर्ड मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है कि बच्चा हमें अभी छोटा है या नहीं दे सकते, तो आप थर्ड मंथ से स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप सेकेंड मंथ से भी दे सकती हैं। आपको मार्केट में अच्छी ब्रांड की जन्म घुटी मिल जाएंगी तो आप ले सकते हैं। 112 साल की बुढ़िया घुटी है, डाबर की घुटी है, 555 घुटी है, बहुत सारी जन्म घुटी हैं, आप कोई सी भी ले सकते हैं। सिमिलर टेस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनली मैंने तो 112 साल की बुढ़िया घुटी यूज़ करी थी अपने बच्चे के लिए और टचवुड काफ़ी अच्छी रही मेरी बच्चे के लिए, ठीक है। तो बात यहाँ पर आ रही थी ग्राई वाटर और जन्म घुटी को क्या हम साथ में दे सकते हैं। मेरी बात सुनिए कि जो जन्म घुटी होती है बच्चे के लिए वो हेल्दी रहती है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे आपके बच्चे को प्रॉपर तरीके से मोशन आने में, जैसे बच्चे को मोशन नहीं आते तो प्रॉपर तरीके से बच्चा को मोशन आएंगे, बच्चा दूध पीते ही वॉमिट कर देता है, मीन्स उसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो आप अगर जन्म घुटी अपने बच्चे को दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको दूध डाइजेस्ट होता है, वॉमिट नहीं करता, पेट फूला फूला है या किसी भी तरह से, वो बच्चे के लिए मीन्स अच्छी रहती है। वो एक हेल्दी डोज होती है और औषधियों से बनी हुई होती है, ठीक है। उसका जो गुण होते हैं वो औषधीय गुण होती है, तो बच्चे को वो किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करती है, ठीक है। तो आप घुटी दे सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपने देखा होगा कितने पुराने टाइम से ही बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को घुटी देते आ रहे हैं, तो कोई ऐसे मेजर इशू नहीं है, आप दे सकती हैं, ठीक है। लेकिन बात पूछी जाती है कि मैम ग्राई वाटर भी साथ में दे सकते हैं, तो ग्राई वाटर को डेली नहीं दिया जाता। देखिए, ग्राई वाटर कोई नुकसानदायक नहीं है बच्चे के लिए, लेकिन उसको डेली नहीं देते। उसको कब देते हैं, जब बच्चे का आपका पेट फूला फूला लग रहा है, जैसे पेट टाइट लग रहा है बच्चे को, गैस पास नहीं हो रही है, बच्चे के दांत अगर निकलने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप तब दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डेली देनी है, नहीं, डेली नहीं देनी है। जैसे कि मैंने बताया बच्चे का पेट फूला है, मरोड़ हो रही है, बच्चा वॉमिट कर रहा है या ठीक से पॉटी नहीं आ रही है, उसको 7-8 दिन हो गए पॉटी नहीं आ रही है, तो ऐसे टाइम में आप ग्राई वाटर दे सकती हैं बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब भी आप ग्राई वाटर की बोतल लेकर आएंगे तो उस पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, तो किस एज के बच्चे को कितनी आपको ग्राई वाटर देना है, तो सारे इंस्ट्रक्शन उस पर लिखे हुए रहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और भी डिटेल में वीडियो आपको जानिए ग्राई वाटर के बारे में क्या बेनिफिट है, कैसे कैसे देना है, तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके ग्राई वाटर के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि जन्म घुटी आप डेली दे सकते हैं सुबह शाम, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ग्राई वाटर आपको कब देना है, जब आपके बच्चे को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही हो कि उसे कम से कम हफ्ता भर हो गया या 5-6 दिन हो गए पॉटी नहीं की, और पॉटी नहीं की तो बच्चे का पेट फूला रहेगा, वॉमिट भी करेगा, गैस पास नहीं होगी, और बच्चे को मरोड़ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, ग्राई वाटर दे सकते हैं। उसमें जो सरसों का, जो आपने देखा होगा ना, सौंफ का पानी जैसा ही होता है, सौंफ का पानी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, उनके दांत निकलने में, उनके दस्त में, पेट फूला होने में, तो जो ग्राई वाटर है वैसा ही होता है, तो आप दे सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन कभी कभी, ना कि रेगुलर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मैम बच्चे को ठंड के टाइम में, यानी सर्दियाँ हैं, तब ग्राई वाटर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकती हैं, अगर बच्चे को दिक्कत है तो आप ग्राई वाटर दे सकती हैं, लेकिन कब नहीं देना, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है तो ऐसे कंडीशन में आप ग्राई वाटर नहीं देंगी, ठीक है। अगर आपके बच्चे को कोल्ड हो रखा है तब नहीं देना, अदरवाइज़ अगर विंटर चल रही है, विंटर सीजन में आप अपने बच्चे को एज के अकॉर्डिंग छोटा एक स्पून सुबह शाम दे सकती हैं, बहुत जल्दी आराम इससे मिल जाता है।
अब गुटी के बारे में एक क्वेश्चन कि मैम क्या गुटी से बच्चा मोटा हो जाता है? मैं तो अपने बच्चे को डेली गुटी पिलाती हूँ, मेरा बच्चा तो मोटा ही नहीं हो रहा। तो डियर, गुटी से बच्चे मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। गुटी एक तरह से डोज होती है, औषधीय गुड़ उसमें पाए जाते हैं जो कि बच्चे के पाचन के लिए, बच्चे के पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। हाँ, बच्चा मोटा तो नहीं होता लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं उसमें। तो आई होप यहाँ पर घुटी और ड्राई वाटर से रिलेटेड आपको ये जो कन्फ्यूजन है दूर हो गई हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई दिन आ गया कि आपने, आपको जन्म घुटी तो आपको देनी ही देनी है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा कुछ अनईजी फील कर रहा है, उसकी गैस पास नहीं हो रही है और बच्चा बहुत ज़्यादा अंगड़ाई भी ले रहा है, उपासी ले रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं पेट टाइट भी है, तो आपने जन्म घुटी भी दी लेकिन आप ड्राई वाटर कब दें, ठीक है। कितना टाइम आपको गैप लेना है? तो जब भी आप कोई भी चीज़ पिला रहे हो, चाहे घुटी पिला रहे हो, चाहे दवाई दे रहे हो, चाहे ड्राई वाटर दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो, तो कम से कम आधे घंटे का गैप आपको लेके चलना है। जैसे आपने अभी घुटी पिलाई है तो उसके आधे घंटे बाद आप ड्राई वाटर दे सकती हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बार बार हर एक सेकंड बाद आप उनको कुछ खिलाओगे पिलाओगे तो बच्चा उसको निकाल देगा, ठीक है। तो आधे घंटे बाद क्या होगा, वो चीज़ें अंदर पेट में मींस बच्चे के शरीर में लगेंगी आराम से, फिर दूसरी कोई चीज़ दोगे तो वो उसको आराम से मींस डाइजेस्ट कर पाएगा, वो चीज़ उसको फिर वापस से वो बाहर नहीं निकालेगा, वो उसके बॉडी को अच्छे से लग जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जन्म घुटी और ड्राई वाटर दोनों को साथ में नहीं देना, मींस ड्राई वाटर आपको रेगुलर नहीं देना, जन्म घुटी आप रेगुलर दे सकती हैं। तो डियर मॉमीज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।